एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप सब भी ठीक ही होंगे। आज जो मैं रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने बालों को कैसे हेल्दी बना सकते हैं, कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने बालों को थिक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये होम मेड, देखिए आज मैं बताने वाली हूँ कैसे हम लोग जो है होम मेड ऑयल बनाने वाले हैं घर पर। और हमारे को जो है 2 से 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होगा जिससे कि हम अपने बालों को काला कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए मैं जो डाल रही हूँ फेनोग्रीक सीड्स, जिसे मेथी दाना कहा जाता है। चलिए स्टार्ट कर। देखिए सबसे पहले हम लोग जो आज होममेड ऑयल बनाने वाले हैं, हमें उसमें जो है 3 इंग्रेडिएंट से 4 इंग्रेडिएंट चाहिए होगा। सबसे पहले हम जो लेंगे यहाँ पर लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना यहाँ जो मैंने 3 to 4 टेबलस्पून लिया है। अब आप देख सकते हैं ये फेनोग्रीक सीड से इसके अंदर जो भरपूर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीबैक्टीरियल के इसके जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसके अंदर होती है जो हमें बालों को पोषण देता है। और साथ के साथ मैं यहाँ पर ले रही हूँ काली कलौंजी। अब आप देख सकते हैं ये ब्लैक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे काफ़ी जगह जो है मंगरेला के नाम भी कहा जाता है। और ये भी हमने जो है सेम क्वांटिटी में लिया है। हमें इसको क्या करना है, ना हमें रोस्ट करना है, ना हमें इसको जो है इसको मिक्सी में ग्राइंड करना है, बट हमें इसे किस तरीके से बनाना है, चलिए स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए आपको मेरे किचन में जाना पड़ेगा, वहाँ पर हमें क्या करना है। और साथ के साथ हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे वो थोड़ी सी देर बाद हम ऐड करके दिखाएंगे, उससे पहले मैं आपको आगे वीडियो शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आने वाली है। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ अपने किचन में। देखिए यहाँ पर जो हमें लेना है आयरन की मैंने कढ़ाई ली और मैंने इसको जो है तेज आंच पे जो है इसको गर्म कर लिया। अब मैंने जो है साथ के साथ इसको गैस को जो ऑफ कर दिया। अब हम इसमें जो लेने वाले हैं, इसमें हम लेंगे कोकोनट ऑयल। मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ, यहाँ हम कोकोनट ऑयल लेंगे। यहाँ हमने जो है 2 से 3 बड़े चम्मच लेने हैं, इस क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। आप इसे जो है बड़ा जो है जार बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ हमने जो है कोकोनट ऑयल लिया है और इसके अंदर एक और ऑयल मिक्स करना होगा जो सिर्फ नारियल के तेल के अंदर ही मिक्स किया जाता है। और मैं बताना चाहूँगी यहाँ चमेली का तेल है मेरे पास जो हमारे अरोमा भी पिलता है हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, और ये हमारे हेल्दी होता है हमारे हेयर्स के लिए। और मैं भी इसके अंदर जो है चमेली का तेल इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ 1 से 2 बड़े चम्मच। ये देखिए मैंने क्योंकि गैस को ऑफ कर दिया है, आयरन की कढ़ाई में रखना है और गर्म बहुत जल्दी हो जाता है ये। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको भी 2 चम्मच ले लिया। इस तरीके से आपको होममेड ऑयल बनाना होगा। इसे आप जो है स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक के लिए। आप इसे जो किसी भी सीजन में किसी भी टाइम पे और कितनी देर के लिए भी रख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो है मैंने दोनों को तेल को मिक्स कर लिया, कोकोनट ऑयल और चमेली का तेल। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं। मात्र आपको मैं बताना चाहूँगी ये जो है काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में 175 ml की है और 100 रुपीज़ की आपको ये अच्छी मिल जाएगी। और काफ़ी लोग जानते होंगे चमेली के तेल में बहुत ही अच्छा जो है स्मेल होती है, इसको जास्मिन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए मैंने जो यहाँ मेथी दाना लिया था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और साथ के साथ जो है कलौंजी है वो भी मैंने इसके अंदर मिक्स करना है। और हमारा तेल जो है पहले से ही गर्म हो चुका है क्योंकि हमारी जो लोहे की कढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो इनको थोड़ी सी देर के लिए इसमें ऐसे ही रहने दूंगी, ये देखिए। और ये आपको लगता होगी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी इसकी बन गई। आप इसके अंदर ऑयल और मिक्स करके रख सकते हैं आपको अगर लगता है तो, अगर कम है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं तेल को। और जैसे कि मैं इसमें जो है नारियल के तेल को और मैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दूंगी। अब मैं 2 से 3 चम्मच मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ आप इसके अंदर इसको डाल दीजिएगा और हल्का से इसको फिर से जो है गैस को ऑन कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें होममेड ऑयल बनाना है। और इसे क्या करना है, अब आपको कोई छानना नहीं पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको इसी लोहे की कढ़ाई के अंदर आपको 4 से 5 घंटे के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। हो सके तो आप जब भी इसको बनाते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि इसको रात में बनाइए और मॉर्निंग में अगर आप जैसे कि जैसे मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तब आप इसको क्या कीजिए, एक कंटेनर में इसको छान के या इसके साथ भी, ऐसा नहीं है कि आपको इसको ग्राइंड करना पड़ेगा, नहीं, आप इसको छान के इसी तरीके से रखिए क्योंकि जो ये जो पार्ट्स है जैसे ये मेथी दाना है कलौंजी वो सारी नीचे आ जाएगी और इसका पोषण भी आपको बराबर मिलता रहेगा। और साथ के साथ जो ऑयल ऊपर ऊपर होगा आप वो जो है अपने बालों में चंप भी कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इसे जो छोटे बच्चों से लेकर बड़े सभी इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के लोग। और इससे क्या होगा, आप लोगों के जो बालों में जो घनापन है वो आना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि गंजे सर है तो उसमें भी है उन लोगों की जो बाल है आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इससे जो बहुत ही अच्छा रिच प्रोटीन आपको मिलेगा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब ये मेरा तेल गर्म हो चुका, मैंने गैस को ऑफ कर दिया। हमें तेल को ज़्यादा उबालना नहीं है, गर्म नहीं करना है, मीन्स बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बस इसको हल्का सा गुनगुना करना है। अब इसके अंदर जितना भी ये पोषण है काफ़ी ज़्यादा फूल जाएगी और आपको इसके अंदर ही रहने देना है।
नेक्स्ट डे आपको जो है किसी बॉटल में इसको जो है आप स्टोर करके रख सकते। याद रखिएगा अगर आपके पास ग्लास बॉटल है अगर जैसे आपके पास, तो ही आप उसमें रखिएगा, किसी भी प्लास्टिक की बॉटल में मत रखिएगा, क्योंकि इसके जो जितने भी पोर्शन है वो सारे खत्म हो जाते हैं। अगर आप नहीं तो आप किसी कांच की कटोरी में इसको स्टोर करके रख लीजिएगा। इस तरीके से ही आपको होममेड ऑयल बनाना है। चलिए अभी जब थोड़ा ठंडा हो जाता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरीके से अपने बालों में मसाज करना है। ये जो है इससे आपके क्या होगा, जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे, ब्लैक हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी आपके नेचुरल हेयर जो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा है कि आपको रोज रोज जो है मेहंदी डाई अगर इंडिगो पाउडर लगाने से ज़्यादा बेटर है। अगर आप इससे जो चंपी करते वीक में आप जब भी आप हेयर को वॉश करते 3 से 4 times तब आप इसको लगा सकते हैं, किसी भी टाइम पे लगा सकते हैं इसको। आप 1 से 2 घंटा ज़रूर रखिएगा तभी आपको जो अच्छा सा पोषण मिलेगा। ये हमारा होममेड ऑयल जो है तैयार हो चुका है। नेक्स्ट डे आपको मैं दिखाती हूँ इसको किसी एक बॉटल में डाल के, और उसके बाद जो है इसको जो अपने बालों में लगाना है, अच्छे से मालिश करनी है। चलिए मैं आपको जो इसे अच्छे से मालिश करके, अब मैंने जो इसको कांच के कटोरी में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया थोड़ा सा, और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये इस तरीके का बन चुका है। और अब आपको क्या करना है, जब भी आप बालों पे लगाते हैं तो इसको इसी में रहने दें, ना कि आपको इसको जो है चेंज करना है या हटाना है। ये देखिए इस तरीके का है। बट अब लगाने से पहले आपको क्या करना है, अगर आप लोगों को विटामिन ई के कैप्सूल अगर सूट करते तो वो लगा सकते हैं, नहीं तो आप एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे अगर बालों में अगर घनापन नहीं आ रहा है, अगर बालों में सिल्कीनेस नहीं है, गंजापन है, तो आप क्या कीजिएगा, कुछ बूंदे जो है आप लोग जो है कैस्टर ऑयल की भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब भी आप लगाने चाहे तो आप एक बॉल में जो है ट्रांसफर कर लीजिएगा, कुछ बूंदे आप इसमें कैस्टर ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको अच्छे से इसमें जो है ऐड कर दिया है। अब मैंने इसको जो है लगाने से सिर्फ 2 से 3 मिनट पहले ही हमें इसको जो है मिक्स करना होगा, पहले से हमें ऐड नहीं करना है। जैसे भी आपको सूट करता तो आप विटामिन ई की कैप्सूल, एलोवेरा जेल या आप लोग जो कैस्टर ऑयल को ज़रूर ऐड कीजिएगा, तभी आपको बहुत ही अच्छा है और हेल्दी हेयर आपके मिलेंगे। अब ये मैंने लगा मिक्स कर दिया। अब देख सकते हैं आप कितना प्यारा कलर भी आ चुका है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो चुका है हमारे हेयर्स के लिए, और ये अच्छा सा रिच प्रोटीन हमें मिलेगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ अपने बाल। देखिए हमारे जो है ये बेथी ऑयल रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमने जो कलौंजी ऑयल और जो कैस्टर ऑयल ऐड किया था वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स करता है। आपको पता ही होगा कि जो मेथी मैंने जो ऐड की है इसके अंदर जो है फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में होती है। इसके साथ जो इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन के होता है, विटामिन सी और पोटेशियम और कैल्शियम के साथ साथ आयरन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। बस आपको जो क्या करना है, अपने रूट्स में अच्छे से इसको लगाना है, और उसके बाद जो आप इसको स्टीम भी ले सकते हैं या हल्के हल्के अच्छे से इसको मसाज कर लीजिएगा। और इसके अंदर जो मैंने कलौंजी में जो ऐड किया है वो हमारे बालों के जो ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, यहाँ तक कि अगर किसी को गंजापन की समस्या है तो वो भी हमारी ठीक हो जाती है साथ के साथ। क्योंकि आपको पता है आज के समय में जो है बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो चुकी है, डस्ट पॉल्यूशन की वजह से जो है हम लोगों के बालों में बहुत झड़ना शुरू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा जो है हम लोगों को नुकसान होने लग गया है हमारे हेल्थ से रिलेटेड। और साथ के साथ इसमें जो है अच्छे से हमें मसाज करना होगा, 5 से 10 मिनट अच्छे से मसाज कर लीजिएगा टॉप से लेकर नीचे तक, बिल्कुल टिप तक। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से पोषण उसी टाइम पे मिल जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से मसाज करने के बाद जो है आपके स्कैल्प पे जो है थोड़ी सी जो है रगड़ जो पड़ने पे गर्म होने की वजह से आपके पोर्स में अच्छे से जाएगा, और जिससे कि आप अच्छे से इसको जो है मसाज करने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो मैंने ऑयलिंग करी है आगे से लेके पीछे तक सारे बालों में किए, हो सके तो आप जो इसको रूट्स में जो है लगाने के साथ साथ अपने बालों पे भी ज़रूर लगाइएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको मसाज करना है और पूरे बालों पे लगाइएगा। जैसे भी आपके अगर बड़े बाल है छोटे बाल है आप पूरे अच्छे से लगाइए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जो है डेमो दिखा रही हूँ, बाद में जो है मैं इसको अच्छे से मसाज करके जो है अच्छे से जो है बन बना लूँगी। आप जो है चोटी कर सकते हैं, जेंट्स है तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं किसी कॉटन के कपड़े में, ये आप जो है रात भर भी भिगा के रख सकते हैं। बट आप जब भी हेयर वॉश करने वाले होते हैं तो आप इसको 1 घंटा पहले अगर आप लगा लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल गुणों में समृद्ध होता है, जो हमारे बालों में अच्छा सा प्रोटीन मिलता है जिससे कि हमारे बालों को अच्छा सा विकास मिलता है, बालों में थिकनेस आती है और हमारे बाल जो है घने मुलायम भी हो जाते हैं। और ये जो नेचुरल रेमेडी है इससे क्या होगा, आपके व्हाइट हेयर्स को तो रोकेगा ही रोकेगा, साथ के आपके बालों को काला भी करेगा, नेचुरल करेगा। और इसे जो है हर उम्र के लोग लगा सकते हैं, लेडीज़ है, जेंट्स है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इसको किसी भी उम्र में लगा सकते हैं। आपके जो प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स है उनको भी ब्लैक करेगा और ये हेल्दी है हमारे बालों के लिए। और आप ज़रूर याद रखिएगा उसके बाद आप एक कॉम ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही आप जो अच्छे से बालों को सुलझाने के बाद ही आप अपने बालों को अच्छे से जो है बांध सकते हैं, पोनी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कम्फर्टेबल लगता हो। ये देखिए मैंने इनको जो है अच्छे से सुलझा लिया, क्योंकि उलझे हुए बाल जो है टूटने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से आप ज़रूर इसके अंदर जो है चमेली का तेल ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे आपको जो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि वो एंटी फंगल का काम करता है। आप इसके साथ साथ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो जो मैंने आज जो होममेड ऑयल बताया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जाते जाते जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब।